दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज हमने गिरावट देखी, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में तो तेजी थी। उसके बावजूद भी जो गिरावट हुई उसके पीछे असली वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जान सकते हैं आप कि यस बैंक में पिछले कई दिनों से जो तेजी थी उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन क्या ये गिरावट और होने वाली है या फिर यहाँ से शानदार तेजी आएगी? आखिर यस बैंक का भविष्य क्या हो सकता है? क्या आने वाले समय में यह स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित होने वाला है या फिर वही 12 पे जाने वाला है वापस? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में आज गिरावट हुई, इस गिरावट के पीछे वजह थी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बाजार संभल गया और बड़ी गिरावट के बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी, जो इस बात का सबूत है कि इंडिया के बाजार में निवेश भी आ रहा है और इंडिया के बाजार पर भरोसा भी कायम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और जो कल बड़ी गिरावट थी उसके बाद में यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अगर कल की बात करें तो कल डाउ जोन में 31,104 का स्तर देखा, जहाँ पे 1,276 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट थी, यानी 3.94% गिरा डाउ जोन्स। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है, अभी फिलहाल बाजार खुल चुका है और 31,131 के स्तर पर 0.085% की तेजी है। तेजी बड़ी नहीं है लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हो चुकी है। अगर हम S&P 500 इंडेक्स की बात करें 3,937 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.13% की तेजी है। नेस्डेक की बात करें तो 11,638 के स्तर पर 0.042% की तेजी है। कुल मिला के देख सकते हो कि पॉजिटिव शुरुआत तो हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे जो गिरावट का दर्द था वो खत्म हुआ, कि आज भी गिरावट हो जाएगी ऐसा हुआ नहीं, और जो पॉजिटिव शुरुआत है तो आगे भी पॉजिटिव क्लोजिंग की संभावना बन जाती है। वैसे भी हमारा बाजार फिलहाल जिस तरह से बाउंस बैक दे चुका है उससे एक बड़ी राहत तो मिली है। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि निचले लेवल से 1000 पॉइंट की बड़ी रिकवरी हमने देखी है। 1200 पॉइंट की पूरे दिन में गिरावट थी, अंत में क्लोजिंग लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ में दी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और आप देख सकते हो कि 3 बजे के आसपास तो हमारा बाजार ग्रीन में आ चुका था, जिससे एक तो समझ में आ रही है बात कि बाजार में खरीदारी हो रही है इस लेवल पर, और बाजार में अभी हमारे पास फिलहाल एक तरफा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। यस बैंक की बात करें तो शुरुआत हुई 17.15 पर, लो बना 17.10 का और हाई है 17.50 का, यानी इंट्राडे में यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव हमें माहौल देखने को मिला। कल की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर गया था बाजार, लेकिन अंत में क्लोजिंग 17.30 पर रही, जहाँ पे 0.86% की गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है, करीब आप देख सकते हो 36.22% का पॉजिटिव रिटर्न हमने देखा है। 12.70 की प्राइस थी यहाँ पे 15 सितंबर 2021 को, और अगर हम 6 महीने की बात करें तो वही प्राइस वही सेम उतना ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी पिछले 6 महीने में यहाँ पे कोई अपडाउन हमने नहीं देखा, यानी 36.22% का रिटर्न 6 महीने के हिसाब से भी है, तब भी 12.70 की प्राइस थी। यानी एक साल के हिसाब से देखो या 6 महीने के हिसाब से उतना ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब स्टॉक एक ही जगह पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया पिछले 6 महीने में। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 8.81% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला इतनी गिरावट के बावजूद भी, क्योंकि आप देख सकते हो कि फिलहाल 15.90 की प्राइस थी, तो 18.20 की नई हाई बनाई, पुरानी हाई थी 17.90 की और उससे पुरानी थी 20.75 की, और जब बाजार गिरा तो 11 तक आया था। तो अब आप देख सकते हो कि इसने एक बार 17.90 की हाई बनाई, उसके बाद 18.20 की बनाई, तो अब हम भरोसा कर सकते हैं कि जल्दी ये 20 को भी क्रॉस कर सकता है। और जो लोग बार बार कह रहे थे कि स्टॉक फिर से 12-13 पर आ जाएगा, वैसी संभावना नहीं है, और ये जो बातें कही जा रही है सिर्फ एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिकवाली अभी भी कर रहे, जो बहुत बड़ी एक गलती कर रहे। पूरे बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 की बात करें तो 18,003 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.37% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी थी, 41,405 के स्तर पर 1.30% की तेजी हमने देखी। निफ्टी PSU बैंक की अगर बात करें तो 3,227 के स्तर पर 1.74% यानी 0.25% की ज़बरदस्त तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 21,276 के स्तर पर 1.50% की तेजी थी। तो सभी बैंकिंग शेयरों में तेजी थी, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, लेकिन आज यस बैंक में हमने गिरावट देखी। इसके पीछे वजह यह कि आज FII ने बिकवाली किया पिछले कई दिनों के बाद, और कुछ नतीजा यह रहा कि हमें दबाव देखने को मिला। यहाँ पे स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि बैंकिंग शेयर इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लोग इसीलिए खरीदारी करें क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा ग्रोथ स्टोरी काफ़ी मजबूत है इनकी, आगे का आउटलुक काफ़ी मजबूत लग रहा है, और परफॉर्मेंस देख के बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा रहा है। लोगों की पसंद बन चुके इस समय बैंकिंग शेयर, और इसीलिए बैंकिंग शेयरों में गिरावट में भी तेजी का माहौल बन रहा है। तो इस समय आपको भी अच्छे से बैंक देख के उसमें निवेश के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे यस बैंक इस लेवल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंट्री की जा सकती है।
आप देख सकते हो FI और FPI की तरफ से भी जबरदस्त खरीदारी हो रही है। यस बैंक में भी उनका निवेश आ रहा है, नो डाउट हर क्वार्टर में वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, तो ऐसे में आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में और भी तेजी जारी रह सकती है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से VK विजय कुमार का कहना है कि इस समय कैपिटल गुड्स, इसके अलावा फाइनेंशियल, ऑटो सेगमेंट्स और FMCG और टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यानी ये सेफ सेक्टर है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है। फिलहाल ग्लोबल इकोनॉमी के कारण आप देखें तो IT और मेटल सेक्टर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, यानी इन दो सेक्टर को छोड़ के बाकी आप सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर आप FMCG सेक्टर, इन सेक्टर में दाव लगा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है और यहाँ पे FI का निवेश भी आ रहा है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इंडियन रुपीज़ को लेकर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंता नागेश्वरम की तरफ से कहा गया कि हमारे इंडियन रुपीज़ के बारे में चिंता करने की हमें कोई बात नहीं, इंडियन रुपीज़ अपनी चिंता खुद कर लेगा, यानी एक तरह से देखें तो इंडियन रुपीज़ काफ़ी मजबूत है और रिजर्व बैंक ध्यान रख रही है रुपीज़ के अप डाउन की, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरह से रुपीज़ अपनी परफॉर्म दिखा रहा है वो काफ़ी अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं, आने वाले समय इंडियन रुपीज़ मजबूत होते जाएगा अपने खुद के लेवल पर। जैसे जैसे FI बाज़ार में इंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, ऑलरेडी इंडियन रुपीज़ ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया की इकोनॉमी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और विश्व का निवेश यहाँ पे इंडिया की तरफ आ रहा है। ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया, अगस्त महीने में पूरे 9 एशिया के बाज़ार में जो निवेश किया FI की तरफ से उसमें 76% अकेला निवेश उन्होंने इंडिया के बाज़ार में किया और ये आगे भी परिपाटी जारी रहेगी। तो आने वाले समय इंडिया के बाज़ार में तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में अच्छे स्टॉक में निवेश शुरू कर दें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लोबल रीजन की वजह से आज FI ने बाज़ार में थोड़ी सी बिकवाली की, उनको लगा कि बाज़ार गिरेगा, तो आज अगर हम देखें तो FI की तरफ से आज नया इन्वेस्टमेंट किया गया 7,917 करोड़ का, लेकिन सामने उन्होंने जो बिकवाली की है 9,314 करोड़ की, इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो है 1,397 करोड़ की, पिछले कई दिनों के बाद आज उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस ने आज बड़ी गिरावट के बावजूद भी आज खरीदारी की है, आज बड़े फंड हाउस की तरफ से 8,468 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और सामने उन्होंने 8,280 करोड़ की बिकवाली की, इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल कर आई है वो है 187 करोड़ की। तो आप देख सकते हो कि FI को भी रियलाइज़ हो गया है कि बाज़ार फिर से बाउंस बैक दे रहा है, इसका मतलब अब कल से फिर से उनकी खरीदारी शुरू हो जाएगी। पिछले 6 सितंबर से देखेंगे तो लगातार FI ने बाज़ार में खरीदारी की है, कहीं पर भी आपको एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं दिखाई जो सेल का होगा, लगातार उनकी सिर्फ खरीदारी हो रही थी। लेकिन आज उन्होंने बाज़ार के सेंटीमेंट देख के, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी, उन्होंने भी लगा कि बाज़ार गिरेगा, इसीलिए आज कुछ उनकी तरफ से बिकवाली हुई। लेकिन जिस तरह से बाज़ार ने बाउंस बैक दिया, 1,000 पॉइंट की जो रिकवरी हुई है, उससे आने वाले समय में FI फिर से खरीदारी शुरू करेंगे और आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बनेगा। वैसे आप देख सकते हो कि FI की जो खरीदारी है वो यस बैंक में लगातार बढ़ रही है, देख सकते हैं आप दिसंबर में उनका 14.87% का निवेश था जो मार्च में बढ़कर 16.22% तक आ गया और जून क्वार्टर में उनकी 16.66% की होल्डिंग हो गई। तो हर क्वार्टर में FI होल्डिंग बढ़ा रहे और आज जो बिकवाली हुई उसका असर यहाँ पे देखने को मिला कि बैंकिंग शेयरों में तेजी के बावजूद भी हमने आज गिरावट देखी, तो उसकी वजह ये रही कि आज FI ने बाज़ार में बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली है वो यस बैंक में भी हो सकती है, इसी वजह से आज दबाव दिखाई दिया। ओवरऑल आप देखेंगे तो फिर से तेजी बनेगी और यस बैंक डेफिनेटली इस बार नई हाई बनाएगा क्योंकि बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया जो काफ़ी अच्छा है, जिसने भी निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला एक साल में। यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से भी 35% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, 1 मंथ के हिसाब से 12% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि यस बैंक का जो बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है। एक तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ARC का गठन होने जा रहा है, पूरा का पूरा NPA खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी अच्छी रेटिंग दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इनकी लोन बुक मजबूत हो रही है, इनके एडवांस और डिपॉजिट में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि यस बैंक अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में आपका जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है ये कई गुना बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में 2-3 साल का अगर आपके पास नजरिया रहेगा तो ये 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो निवेश को बनाए रखें बिना डरे, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।